एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स पावर। पूजा और फ्रेंड, मैं हूँ पूजा। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मिल्टन मेडिकल बॉक्स का अनबॉक्सिंग रिव्यू, विद बेनिफिट भी बताऊंगी इसकी मैं आपको। फ्रेंड, अपने यहाँ पर ऐसा कोई भी घर ना हो जिस घर में मेडिसिन ना यूज होती हो। और हाँ, घर में कभी भी किसी को बुखार, जुखाम, खांसी वगैरह होती है तो हम दवा ले आ लेते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद जो दवा बचती है उसे हम फेंकते नहीं, उसे रख लेते हैं, बिकॉज जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आती है। सो फ्रेंड, दवा को रखने के लिए बहुत सारे लोग पॉलीथीन बैग या फिर किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे का यूज लेते हैं। मैं भी प्लास्टिक का डिब्बा ही अभी तक यूज लेती थी, बट अमेजोन पर मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिखा और मैंने परचेज कर लिया मिल्टन का मेडिकल बॉक्स, जो कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हो गया है। आउटर पैकेजिंग वाइट एंड रेड कलर के कम्बिनेशन में मुझे रिसीव हो जाती है। कार्डबोर्ड के बॉक्स में है ये, और इसकी जो प्रॉपर MRP है 231 रुपये और एक यूनिट मुझे रिसीव होती है। इसकी लंबाई है 236 mm एंड इसकी जो चौड़ाई है वो है 153 mm, इसकी हाइट है 140 mm। बात कर लेती हूँ फ्रेंड मैं इसके फीचर्स की। इसमें है मिल्टन हैंडी फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स, एसेंशियल टू डील विद मिनर एक्सीडेंट या इंजरीज, इट्स कम्पैक्ट सेफ फर्स्टिलाइज, इजी स्टोरेज ऑफ ऑल बेसिक मेडिकल एक्यूमेंट्स, दी सी थ्रोट लीड इनेबल दी यूजर टू स्पॉट दी कंटेंट्स इजली, एडिशनल पार्टीशन हेल्प सर्जरेट दी इक्विपमेंट एंड मेडिसिन, दी अटैच्ड हैंडल मेक्स इट कन्वीनिएंट एंड टू कैरी, मेड ऑफ हाईली ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग क्वालिटी प्लास्टिक फॉर लॉन्ग टर्म यूज, कम्पैक्ट सेफ फॉर इजी स्टोरेज। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और मेड इन इंडिया है ये। फ्रेंड, जो प्लास्टिक है इसके अंदर वो BPA फ्री है, रिसाइक्लेबल है, इजी टू कैरी है। आप इसे परचेज कर सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे या फिर www.milton.in पर भी लॉग इन करके ले सकते हो आप इसे। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, आउटर पैकेजिंग भी आपको बहुत अच्छी और हैंडी मिल जाती है, जिससे कि अंदर का आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं होता है। ओपन करती हूँ और मैं देखती हूँ अंदर, तो अंदर हमें कुछ इस तरीके से पॉलीथीन में पैक करके आपको मेडिकल बॉक्स देते हैं। हमें कुछ इस तरीके से मेडिकल बॉक्स रिसीव हो जाता है। क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, प्लास्टिक बहुत अच्छी है, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट है ये, और इसमें रेड का हैंडल दे रखे हैं आपको, और इसका लॉक भी रेड कलर में ही दे रखे हैं। प्लस आपको यहाँ पे मेडिकल का सिंबल मिल जाता है। इसके नीचे कुछ इस तरीके से स्टोर करने के लिए इसमें स्टैंड दिए हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे मेंशन है मिल्टन मेड इन इंडिया, प्लास्टिक क्वालिटी इसकी 5 नंबर की है, जो बहुत अमेजिंग है और काफ़ी अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, फ्रंट पे आपको यहाँ पे मिल्टन मेंशंस हो जाता है, और इसके कैप पे भी आपको यहाँ पे आई मीन लॉक पे आपको मिल्टन मिल जाता है। आपको नीचे से इसे उठाना है, उसके बाद ऊपर को कुछ इस तरीके से करना है ये, और अंदर आपका कुछ इस तरीके से मेडिकल बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से पार्टीशन वाली ट्रे मिल जाती है, जिस पार्ट है, और यहाँ पे आपने टैबलेट्स रख सकते हो, थर्मामीटर या फिर ट्यूब वगैरह भी रख सकते हो, और इसके नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते हो स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है, ये देखिए आप। इसमें आप डेली बेसिस की कोई भी अपनी जो दवाई होती है मेडिकल से जुड़ी हुई, जितने सारे आपके टैबलेट्स वगैरह होते हैं, बैंडेड होते हैं, बिक्स होता है या फिर आपका आयोडेक्स वगैरह होता है, वो सब आप इसमें रख सकते हो। सो फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ अपना ओल्ड वाला बॉक्स, जिसमें अपनी सारी दवाएं मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है ये, और हाँ, ये बैंगल्स का बॉक्स है। मैं पहले बैंगल लेके आई थी, तो ये देखिए आप, इधर मेंशंस भी है ये, तो उसका जो बैंगल है मैं यूज कर ली और बॉक्स मेरे पास बचा था, तो मैंने इसको इस तरीके से रीयूज कर लिया। सो फ्रेंड, ये देखिए आप, इसमें एक लॉक है और प्लास्टिक थोड़ा इधर से ख़राब हो चुकी है यहाँ से, बट दवाई रखना था इसलिए मैं इसको इस तरीके से रखी हूँ। सो फ्रेंड, ये मेडिकल बॉक्स है, और मेरे पास जो ओल्ड वाले बचे हैं उन सबको मैं इसमें स्टोर करूँगी और दिखाऊँगी आपको कितना स्पेस इसमें दिया गया है, ये देखिए आप। तो फर्स्ट नंबर पर ये कुछ मेडिसिन है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से रैप करके रखती हूँ इनमें, और ये देखिए आप, जैसे मैंने इसमें लग रखा है कि मेंशंस भी है इसमें, फुल बॉडी पेन और
फीवर की दवा इसके अंदर है, जैसे कि आप ये देखिए, ये दोनों दवा फुल बॉडी पेन और फीवर की है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से करके रखती हूँ जिससे भूलते भी नहीं, और कोई भी, अगर मैं ना हूँ तो कोई भी इसे यूज कर सकता है। और कुछ इस तरीके से एक दवा ये भी है, तो जिसमें इधर मेंशंस है फीवर की दवा, आप ये देखिए, फीवर की दवा मैं लिख के रखती हूँ जिससे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर दूँगी। फ्रेंड ये जो लिफाफा है इसको भी इसी के साथ मैं पैक करके रखूँगी, बिकॉज अगर दवा को आप अच्छे तरीके से लिफाफे वगैरह में पैक करके रखते हो तो आपकी जो दवा है वो मॉइस्चराइजर फ्री रहती है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती है, उसका जो असर होता है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको रख दूँगी। और बात करती हूँ मैं अपने नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है ये दवा, आप देख सकते हो इसमें मैंने लिख के रखा है कान की दवा, तो मैं इसको भी इधर मेंशंस कर दूंगी, नीचे की साइड में रखूंगी मैं। और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है तो माइग्रेन की है, ये भी आराम से इसमें आ गई। और एक ये है, ये मुझे एलर्जी हुई थी तब की दवा है ये, जो दवाएं मुझे पता है कि जल्दी एक्सपायर नहीं होंगी उनको मैं अच्छे तरीके से रखती हूँ। एक ये है, ये जैसे ये मेरी बेबी की दवा है बुखार की, इसमें मैंने लिख के रखा है, ये देखिए बुखार यहाँ पे, अगर मैं ना रहूँ यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड भी इसको दे सकते हैं। सो नेक्स्ट ये है, ये भी कुछ इस तरीके से है, इसमें भी शायद मैं लिख के रखी रहूँगी। और जिस दवाओं का नाम मैं लिखना भूल जाती हूँ उसको सबसे पहले मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, फिर उसके बाद अपने बेबी को देती हूँ। जैसे ये है दर्द की दवा, अगर को चोट वगैरह लगी उसके लिए है ये। और एक है ये सुप्रामाइसिन की ट्यूब है, जैसे आपको कोई भी कट वगैरह जाता है उसके लिए है। एक ये एलर्जी की ट्यूब है, और नेक्स्ट ये है, मुझे बहुत एलर्जी है मैंने बताया था आपको पहले भी, उसके लिए ट्यूब है ये कैंडिड बी, आप लोग सर्च कर सकते हो इसका यूजेज क्या है तो आपको पता चल जाएगा ये। और इधर ये आई ड्रॉप्स है जो मैं कुछ इस तरीके से रखूँगी। और ये है डूट की बोतल का निप्पल, ये है आयोडेक्स जो चोट वगैरह लग जाए तब यूज हो जाता है। और ये है, इसे हमारे बोलते हैं लोहबान, जब बच्चों को सर्दी वगैरह लग जाती है तब इसका धुआं सिकाते हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है ये, बहुत अच्छा है वैसे। सो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अगर आप लोग भी सोच रहे हो लेने के लिए तो इसकी जो लिंक है मैं कोशिश करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। अभी इस टाइम पे अमेजोन पे काफ़ी अच्छे खासे ऑफर चल रहे हैं तो आप लोग खरीद सकते हो इसे। और ये देखिए आप अच्छे तरीके से आपके पूरे नीडेड वाली जितनी सारी दवाएँ हैं वो आ गई हैं इसमें। अभी इसमें मैंने अपना थर्मामीटर और बैंडेड नहीं रखा है बिकॉज अभी वो बाहर है और वो चार्जेबल वाला थर्मामीटर है तो मैं उसे बाहर ही रखी हूँ, उसकी जो सेल है वो ख़त्म हो चुकी है। और जो बैंडेड है वो भी मेरे पास अभी इस टाइम पे नहीं है तो वो भी मैं इसमें स्टोर करके रख दूँगी। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है ये, और कहीं भी ले जाने के लिए बहुत मस्ट है, आप ट्रेवल वगैरह के टाइम पर यूज कर सकते हो इसे। और देखने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम फर्स्ट एड वाला लुक आता है, डॉक्टर वाली फीलिंग आती है, देख सकते हो आप इसे। सो फ्रेंड आप इसे परचेज कर सकते हो और आपके घर की जितनी सारी दवाइयां हैं वो सारी इनमें स्टोर हो जाएंगी और आपको एक जगह पर मिल जाएगी। बट हाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आप बच्चों के लिए कोई भी मेडिसिन लाते हो, चाहे वो बुखार की हो, सर दर्द की हो, जुकाम की हो, अगर उसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी ज़्यादा है तो आप उस पर पेन से लिख करके रख दीजिए कि बुखार की दवा है। और अगर बहुत सारी दवाएँ ऐसे भी आती हैं बेबी के लिए जिनमें लिक्विड वाला आता है कि आपको पानी गर्म करके उसे बनाना पड़ेगा फिर देना पड़ेगा, तो उसका सिर्फ जो सिर्फ टाइम होता है 3 डे के लिए होता है तो आप उसे स्टोर ना करें। और फ्रेंड अपने आप से कोई भी दवा ला के आप स्टोर ना करें फर्स्ट एड बॉक्स में, जब तक आप डॉक्टर को ना दिखाएं, डॉक्टर से आप सलाह लें पहले, डॉक्टर के रिकमेंडेड के अकॉर्डिंग ही आप दवा को लें और उसे स्टोर करें, इस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हो। सो फ्रेंड ये रही मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको थोड़ा सा इस पर हेल्प हुआ होगा, तो प्लीज़ एक लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।